ग्वालियर चंबल संभाग में खुद को बहुत मजबूत बता रही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और पार्टी के नेता सत्यप्रकाश सखवार ने कांग्रेस छोड़ दी है और भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। सखवार ने पिछला चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ा था लेकिन हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी लेकिन कुछ साल में ही उनका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व विधायक सखवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ना कोई संगठन है, ना ही कोई नेता है और ना ही कोई विधान है। कांग्रेस गुटों की पार्टी है और गुटों में लड़ रहे हैं। जबकि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी नीतियों से हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मैं सत्यप्रकाश सखवार को भाजपा परिवार में शामिल होने की बधाई देता हूं। उनके भाजपा में शामिल होने से यह साबित होता है कि समाज का प्रभावी नेतृत्व भाजपा के साथ है। कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रीतियां हैं, वैसे तो हमें पता था मगर वास्तविकता तो व्यवहार में होने से होती है। वहाँ कोई ना तो संगठन है, ना ही कोई दल है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई बायलॉज विधान है और ना कोई संगठन का ढांचा है। बही जा रही है, गुटों की पार्टी है, अपने अपने गुटों में बस मेरा है, मेरी भले ही एक फूट जाए सामने वाले के दोनों फूट जाए, इस सिद्धांत पर काम करती है कांग्रेस पार्टी। मोदी और हमारे जो माननीय शिवराज सिंह जी हैं, इनकी नीतियाँ रीतियाँ हैं, अट्रैक्टिव हैं, एक्टिव हैं, जनहितकारी हैं, कल्याणकारी हैं, तो इसलिए सारी बातों को देख करके अपन ने ऐसा निर्णय लिया। बसपा के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बसपा के विधायक दल के नेता सदन के अंदर रहे, ऐसे सत्यप्रकाश सखवार जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है और इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो हिंदुत्व को कोई धर्म नहीं मानते हैं। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिग्विजय सिंह देश विरोधी ताकतों का हमेशा समर्थन करते हैं। उन्होंने जाकिर नायक को शांति दूत बताया था, तो उनसे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो हिंदुत्व को माने। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग यह कहते हैं कि हम हिंदुत्व के विरोधी हैं। जब वो हिंदुत्व के विरोधी हैं तो फिर सनातन धर्म की बात क्यों करते हैं? इस प्रकार का दोगला चरित्र पूरे इतिहास में कभी देखने में नहीं मिला होगा, जो हिंदुत्व पर प्रहार करे और सनातन की बात करे। जाकिर नाइक से लेकर के इस प्रकार के देश विरोधी काम करने वाले जो लोग हैं, मैं मीडिया के मित्रों आज आपसे कहना चाहता हूं कि इनके पीछे कौन है, इन्हें कौन समर्थन करता है? ये समाज के खिलाफ हिंदुत्व पर आक्रमण करने का काम करते हैं, तो इनको समर्थन देने वाली ताकतें कौन है? इनको समर्थन देने वाली ताकतें वही कांग्रेस के जींस में है, जिनमें दिग्विजय सिंह जैसे लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व के तो विरोधी है। अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करना है तो हिंदुत्व आक्रमण करते हैं और इधर सनातन की बात भी करते हैं। इस प्रकार का दोगला चरित्र भारत के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि जो हिंदुत्व पर प्रहार करें और सनातन की बात करें। दिग्विजय सिंह जी, ये पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि हिंदुत्व क्या और सनातन क्या है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।